Hello students, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss condensation or step growth polymerization. ये हमारा जो पॉलीमर टॉपिक है इसका सेकेंड पार्ट है. जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था एडिशन पॉलीमराइजेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स को. तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पॉलीमर को स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से किस टाइप से बना सकते हैं और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के पॉलीमर के एग्जाम्पल क्या क्या है. सो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, दिस इज ए टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इन विच मोनोमेरिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन टूगेदर इन स्टेप वाइज मैनर एंड विद एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, मिथाइल एल्कोहल एटसेट्रा. मीन्स क्या होगा कि आपके पास ऐसे मोनोमेरिक यूनिट जो डिफरेंट डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट होती हैं आपस में कंबाइन करेंगे, कंडेंस होंगे और कंडेंस होकर के स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल्स, मिथाइल एल्कोहल जैसे मॉलिक्यूल्स को रिलीज करेंगे. उस टाइप की जो पॉलीमराइजेशन होगी उसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर आपके पास एडिपिक एसिड है. एडिपिक एसिड की जब हम हेक्सामिथाइलिन डायमीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है और यहाँ पर आपको जो पॉलीमर मिलता है वो होता है आपका नाइलॉन 6,6. This is your nylon 6,6. Okay? तो nylon 6,6 एक step growth polymerization का example है. याद रखना है nylon 6 के लिए, 6 और 6 के लिए monomeric unit क्या क्या है, इनकी structure भी आपको पता होना चाहिए. अब देखिए mechanism किस type से reaction होती होगी, एक बार mechanism की बात कर लेते हैं कि nylon 6,6 किस type से बना होगा. nylon 6,6 बनाने के लिए आपको 6 कार्बन वाला तो एसिड लेना है और 6 कार्बन वाला अमीन लेना है. तो यहाँ पर ये आपका एडिपिक एसिड है जिसमें 6 कार्बन एटम है, ऐसे आपके पास हेक्सामिथाइलिन डायमीन है जिसमें भी आपके 6 कार्बन एटम है. दोनों आपस में कंडेंस होंगे, कंडेंस होकर के वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से ऐसे रिलीज करेंगे, सॉरी दिस इज वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे और यहाँ पर एक अमाइड लिंकेज आपको देखने को मिलेगी. अब जो अमाइड लिंकेज बनी है इसके अंदर फर्दर एक और मॉलिक्यूल है, दूसरे हेक्सामिथाइलिन अमीन के साथ रिएक्शन करेगा और इस तरीके से रिएक्शन होती रहेगी और आपको वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से आप एलिमिनेट करते रहोगे. लास्ट में जब आप देखोगे तो आपको एक हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम क्या होगा, नाइलॉन 6,6. ओके, इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो फर्स्ट एग्जांपल इसमें हम पढ़ते हैं पॉलिएस्टर. पॉलिएस्टर जो है एक ऐसा पॉलीमर होगा जिसमें पॉलीमेरिक यूनिट्स में किस टाइप की लिंकेज होगी भाई, एस्टर लिंकेज, पॉलीएस्टर एस्टर लिंकेज. फर्स्ट एग्जांपल इसमें है पॉलीथाइलिन टर्थैलेट जिसको हम पेट भी बोलते हैं, टेरिलीन भी बोलते हैं, डेक्रोन भी बोलते हैं और माइलर भी बोलते हैं. तो ये इसकी स्ट्रक्चर है किसकी, पेट की या टेरिलीन की, डेक्रोन की, जिसमें हम यूज करते हैं इथाइलिन टर्थैलेट को. अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, बनाने के लिए हम यहाँ पर टर्थैलिक एसिड लेकर चलते हैं. टर्थैलिक एसिड क्या होता है भाई, जो बेंजीन है उसकी पैरा पोजिशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन उसके एस्टर लेने हैं तो आप उसके एस्टर ले लीजिए. इसके जब हम इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर जो पॉलीमर बनता है उसका नाम क्या होता है, डेक्रोन. डेक्रोन जो है ये एक फाइबर है, क्रीज रेजिस्टेंट इसमें होती है, क्रीज को जल्दी से, ऐसे कपड़े जो होते हैं ना जो डेक्रोन से बने होते हैं उसमें जल्दी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं. इसकी जो मॉइस्चर को ऑब्जर्व करने की जो कैपेसिटी है वो भी बहुत कम होती है, तो इसके ये वॉश भी इसलिए हो जाते हैं और इसलिए हम इसको वॉश और वियर फैब्रिक्स में यूज़ करते हैं. इसकी टेंजाइल स्ट्रेंथ भी हाई होती है, जल्दी से ये फटते भी नहीं है, टेयरिंग भी नहीं होती है. इसको हम रिकॉर्डिंग टेप्स बनाने में भी यूज़ करते हैं, जो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप होती हैं उसको बनाने में, ठीक है. नेक्स्ट हमारा है ग्लिप्टल. ग्लिप्टल क्या है, पॉलीथाइलिन थैलेट. थैलिक एसिड, थैलिक एनहाइड्राइड हम यूज कर सकते हैं, साथ में इथाइलिन ग्लाइकोल यूज करेंगे. दोनों की जो मोनोमेरिक यूनिट आपस में कंबाइन करेंगे, वाटर का रिलीज होगा और यहाँ पर जो पॉलीमर मिलेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लिप्टल. ग्लिप्टल जो है ये एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, इसलिए हम इसका यूज करेंगे पेंट्स और लेकर्स को बनाने में. इसके दो ही यूज होते हैं जनरली, पेंट्स और लेकर्स को बनाने में. तो हमारा पॉली जो एस्टर था वो कंप्लीट हुआ. अब हम बात करते हैं पॉलीअमाइड्स की, यानी कि ऐसे आपके पॉलीमर जिसमें अमाइड लिंकेज होती है उनको क्या बोलेंगे, पॉलीअमाइड्स. इसके लिए हमारे पास एग्जांपल हैं नाइलॉन के. फर्स्ट एग्जांपल हम लेकर चलते हैं नाइलॉन 6,6, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि नाइलॉन 6 को बनाएंगे कैसे, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन की पॉलीमराइजेशन से. जो
यहाँ पर आपको नाइलोन मिलेगा, उसको हम बोलेंगे नाइलोन 6, 6, 6 यहाँ पर कार्बन के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारा जो इसमें अमाइड का पॉलीमर है वो है नाइलोन 6। नाइलोन 6 बनाने के लिए जो हम मोनोमेरिक यूनिट लेकर चलते हैं ये आपका रहता है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम की हाइड्रोलिसिस करते हैं, रिंग ओपन होती है और फिर इसका हम पॉलीमराइजेशन कर देते हैं, तो जो आपको पॉलीमर मिलता है इसका नाम क्या होता है, नाइलोन 6। नाइलोन 6 क्यों बोला, क्योंकि इसमें केवल 6 कार्बन एटम, आप काउंट करके देख लीजिए 6 कार्बन एटम बार बार रिपीट होते रहेंगे और नाइलोन 6 यहाँ पर आपको मिल जाएगा, अमाइड लिंकेज रहेगी। अब नाइलोन जो होते हैं इनकी टेंजाइल स्ट्रेंथ हाई होती है, जल्दी से जो इनकी जो टेंजाइल स्ट्रेंथ है हाई होती है, टफ होते हैं, फ्लेक्सिबल भी हैं, एब्रेशन रेजिस्टेंट हैं और कुछ हद तक इलास्टिक भी होते हैं, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं फैब्रिक्स बनाने में, कारपेट्स बनाने में, टायर कोर्ड्स बनाने में हम इसका यूज करेंगे, रोप्स बनाने में यूज़ करते हैं, मशीनरी के पार्ट्स बनाने में यूज़ करेंगे, बैरिंग्स बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं और मोल्डेड आर्टिकल्स भी हम इसके बना सकते हैं। ये हमारा नाइलोन यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स। तो जो फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है आपके, इन रेजिन्स को हम बनाते हैं, इनके एग्जांपल्स रहते हैं बेकेलाइट से, इनमें जनरली हम एक मोनोमेरिक यूनिट तो फिनोल को यूज करते ही हैं, दूसरा अपना क्या आ जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपके पास बेकेलाइट, और बेकेलाइट का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट होते हैं इसको बनाने के लिए, जैसे जो हमारे घरों में स्विच होते हैं, स्विच को बनाने में भी इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि ये हार्ड प्रॉपर्टी का होता है। बेकेलाइट जो है मोनो पॉलीमर, इसको बनाने के लिए जो हमारा मोनोमर है ये फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड होता है। जब फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिलते हैं, क्योंकि फिनोल का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, दो प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों की पॉलीमराइजेशन होगी आपस में और आपको एक ब्रांच पॉलीमर मिलेगा जिसका नाम क्या होगा, बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है ये एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, ठीक है, इसको हम सॉफ्ट बेकेलाइट भी बना सकते हैं, ये हार्ड भी बन सकता है, अगर पॉलीमराइजेशन को बीच में रोक देंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, इसका मॉलिक्युलर मास कम होगा और हार्ड भी हम इसको बना सकते हैं पॉलीमराइजेशन की डिग्री को इंक्रीज करके। तो बेकेलाइट का यूज हम जनरली करते हैं इलेक्ट्रिकल बूट्स बनाने के लिए, अभी मैंने बताया ना कि जो इलेक्ट्रिकल स्विचेज होते हैं उसको यूज कर सकते हैं उसको बनाने में, फोटोग्राफ रिकॉर्ड्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, फाउंटेन पेन बैरल्स बनाने में यूज कर सकते हैं, कॉम्ब्स बनाने में यूज कर सकते हैं, जो हार्ड प्लास्टिक वाली जो चीजें होती है ना वो सबकी सब किससे बनी होती हैं, बेकेलाइट से। नेक्स्ट बात करते हैं यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स के बारे में। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि आपको एक तो मोनोमेरिक यूनिट क्या होगी, यूरिया, और दूसरा क्या रहेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। तो यूरिया जो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको मिलेगा मिथाइलोल यूरिया। किस टाइप से होगी भाई रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, वाटर को रिलीज करवा दीजिए, कार्बन और नाइट्रोजन में डायरेक्ट डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये क्या होगा आपस में कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के बाद कीटोन और टोटोमराइजेशन हो जाएगी और यहाँ पर आपको एक दूसरा मॉलिक्यूल मिलेगा किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का, और इस तरीके से आप कराते जाओगे रिएक्शन तो आपको एक ब्रांच्ड पॉलीमर मिलेगा जिसका नाम क्या होगा, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ओके, अब बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो जो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होते हैं ये केमिकली इनर्ट होते हैं और सॉल्वेंट से रेजिस्टेंट भी शो करते हैं, सॉल्वेंट में जल्दी ये डिजोल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं फॉर्मिका बनाने के लिए, लैमिनेटेड फॉर्मिका बनाने के लिए यूज करेंगे, ट्रे बनाने में यूज कर सकते हैं, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स बनाने में हम इसका यूज कर सकते हैं, अगर ये सॉल्यूशन फॉर्म में है तो ये जो कॉटन वूल जो है इसकी श्रिंक रेजिस्टेंस को कम करने के लिए यूज कर सकते हैं, मीन्स जो कॉटन और वूल की जो कॉटन जो होती है ना वो जब जैसे हम इसको वॉश कर लेते हैं तो कॉटन श्रिंक हो जाती है, तो उसकी श्रिंक प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना आता है इपोक्सी रेजिन। इपोक्सी रेजिन जो होते हैं इसके लिए हमारा जो मोनोमर होगा वो क्या रहेगा, इपोक्साइड। इपोक्साइड के जो पॉलीमर होते हैं उसको हम बोलते हैं इपोक्सी पॉलीमर्स, ठीक है। फिर आता है अपना पॉलीऑक्सीमिथाइलिन ग्लाइकोल। पॉलीऑक्सीमिथाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीऑक्सीमिथाइलिन ग्लाइकोल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो आपका इपोक्साइड था उसकी इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करेंगे, तो इथाइलिन ग्लाइकोल क्या करवाएगा भाई, रिंग ओपनिंग करवा देगा,
इपोक्साइड की, और यहाँ से जो आपको पॉलीमर मिलेगा इसका नाम क्या होगा, पॉलीऑक्सी मिथाइलिन ग्लाइकोल। आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है कि आपको फर्स्ट इथाइलिन मॉलिक्यूल इपोक्साइड की रिंग ओपनिंग करवाएगा, फिर दोबारा से नेगेटिव चार्ज आएगा वो दूसरे मॉलिक्यूल की करवाएगा, इस तरीके से रिएक्शन चलती रहेगी और आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब जिस तरह के जो रेजिन्स होते हैं इनका हम जनरली यूज करते हैं कॉस्मेटिक्स बनाने में, फार्मास्यूटिकल्स बनाने में और लुब्रिकेंट्स बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट अपना आता है इपोक्सी रेजिन। तो इपोक्सी रेजिन का हम यूज करते हैं, इपोक्सी रेजिन को बनाएंगे कैसे पहले देख लेते हैं। इपोक्सी रेजिन बनाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी, एक तो आपका जो इपोक्साइड था उसी की, दूसरा आपके पास रहेगा बिस्फिनॉल। बिस्फिनॉल, दिस इज योर बिस्फिनॉल एंड दिस इज योर इपोक्साइड, दोनों की अगर आप कंडेंसेशन रिएक्शन करोगे तो जो आपको पॉलीमर मिलेगा इस टाइप का उसका नाम क्या हो जाएगा, इपोक्सी रेजिन। अब लास्ट हमारा एग्जांपल है इसमें पॉली यूरेथीन। पॉली यूरेथीन जो होते हैं इनका यूज हम करते हैं फाइबर्स बनाने के लिए, कारपेट्स वगैरह बनाने में, ब्लैंकेट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे देखते हैं, कुछ मेथड है, कुछ एग्जांपल है इसके बनाने के। जैसे आपके पास आइसोसाइनेट है, आइसोसाइनेट की जब आप एल्कोहल से रिएक्शन करते हो तो यहाँ पर यूरेथीन की फॉर्मेशन होती है। दिस इज योर आइसोसाइनेट, NCO, CNO होता तो साइनेट। आइसोसाइनेट मीन्स नाइट्रोजन की लिंकेज है, तो आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट की एल्कोहल से रिएक्शन करती, रिएक्शन के बाद जब आपको पॉलीमर मिलेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, पॉली यूरेथीन। पॉली यूरेथीन जो होता है इसको हम प्री पॉलीमर भी बोल सकते हैं, और इसको हम टोलिन 2,4-डाई आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। इसके और भी टिपिकल एग्जांपल हैं, ये आप देख सकते हो, ग्लाइकोल के एडिपिक एसिड से रिएक्शन करती तो यहाँ पर जो पॉली यूरेथेन नाम का पॉलीमर है ये आपको मिल जाएगा। इलास्टिक फाइबर होता है ये एक, इसका यूज करते हैं हम पिलो बनाने के लिए, फोम्स बनाने के लिए, फैब्रिक्स बनाने के लिए, कार सीट्स बनाने में इसका यूज करेंगे। मीन्स जहां पर भी आपको इलास्टिक फाइबर बनाना है ना वहां पर यूरेथिन का हम यूज कर सकते हैं, पॉली यूरेथिन का। अब बात करते हैं रबर की। तो रबर भी एक पॉलीमर है। रबर दो टाइप का एग्जिस्ट करता है, एक तो नेचुरल रबर, दूसरा हमारा सिंथेटिक रबर होता है। नेचुरल रबर की कुछ लिमिटेशंस होती है जिसको ओवरकम करने के लिए सिंथेटिक रबर बनाया जाता है। नेचुरल रबर जो होता है आपको पता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो नेचुरल रबर जो होता है ये मेल्ट हो जाता है। इसकी मेल्टिंग प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए, या फिर जो आपका नेचुरल रबर होता है ये हाई कोल्ड मतलब लो टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो देखो हाई टेम्परेचर पे तो मेल्ट हो गया, लो टेम्परेचर पे कूल हो गया, कोल्ड हो गया मतलब जम जाता है। तो इस वजह से इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसके जो यूज है वो लिमिटेड हो गए थे, तो हमें यूज करना पड़ा इसका एक सब्स्टिट्यूटिव जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल रबर होता है अपना, ये देखिए ये आपका नेचुरल रबर है, सिस कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, विनाइल जो थे ना सारे के सारे अपने सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर थे। अब अगर हम जो नेचुरल रबर होता है उसके अंदर सल्फर ऐड कर देते हैं, सल्फर ऐड कर देते हैं, तो सल्फर को ऐड करने के बाद जो आपका रबर होता है उसकी थोड़ी सी इलास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है, उसकी मेल्टिंग का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो इस टाइप का जो रबर है जिसके अंदर हम सल्फर ऐड कर देते हैं उसको हम बोलते हैं वल्केनाइज्ड रबर। दिस इज योर वल्केनाइज्ड रबर। तो वल्केनाइज्ड रबर नेचुरल रबर से गुड क्वालिटी का होता है। क्यों होता है? क्योंकि वल्केनाइज्ड रबर में कुछ क्वांटिटी सल्फर की होती है। बात करते हैं सिंथेटिक रबर की। तो सिंथेटिक रबर में हम यहाँ पर एग्जांपल लेकर चलते हैं सिस पॉलीबुटाडाईन की। बुटाडाईन है, आप इसकी जिग्लेनाटा कैटलिस्ट से पॉलीमराइजेशन कर दो जो आपको रबर मिलेगा उसका नाम क्या होगा, सिस पॉलीबुटाडाईन। नेक्स्ट आपके पास SBR है, स्टायरीन ब्यूटाडाईन रबर, इंपॉर्टेंट है वो, बहुत इंपॉर्टेंट है SBR। ये इसकी मोनोमेरिक यूनिट पूछी जाती है, किस टाइप से पॉलीमर बनता है, पॉलीमर की स्ट्रक्चर क्या होती है, सब कुछ आता है पेपर में। तो आपको बनाना कैसे है, देखो स्टायरिन नाम से पता चलेगा आपको, S4 स्टायरिन, स्टायरिन ले लीजिए, ब्यूटाडाईन ब्यूटाडाईन ले लीजिए, दोनों की कंडेंसेशन करा दो, कंडेंसेशन के बाद जो पॉलीमर मिलेगा वही क्या होगा आपका, SBR, स्टायरिन ब्यूटाडाईन रबर।
नेक्स्ट आपका आता है ब्यूटाइल रबर। ब्यूटाइल रबर बनाने के लिए हम यूज करेंगे जो आपका ब्यूटाइल 1,3-ब्यूटाडाईन है, इसकी हम रिएक्शन करेंगे आइसो ब्यूटेन के साथ। तो यहाँ पर जो रबर मिलेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? पॉलीब्यूटाइल। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो रहेगा पॉलीआइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो यूनिट होती है, आइसोप्रीन का मतलब होता है कि जो आपका 5 कार्बन एटम होंगे, 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाईन को हम आइसोप्रीन बोलते हैं। तो आइसोप्रीन जो है इसके मोनो पॉलीमराइजेशन करेंगे तब जो रबर हमें मिलेगा उसका नाम हो जाएगा पॉलीआइसोप्रीन। इन सब के यूज भी कर लेना, रबर के जितने भी यूज होते हैं वो सब आपको पता है, ये वेरी कॉमन यूज होते हैं टायर वगैरह बनाने के लिए। नेक्स्ट अपना रबर है नियोप्रीन। नियोप्रीन के लिए अपना मोनोमर होगा क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन की जब हम पोटेशियम पर सल्फेट के साथ पॉलीमराइजेशन करेंगे तो जो पॉलीमर मिलता है उसका नाम क्या रहेगा? नियोप्रीन। तो ये हमारा आज का जो पॉलीमर वाला टॉपिक है यहाँ पर खत्म होता है। तो पॉलीमर वाला जो चैप्टर है ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, जिसको अच्छे से कर लेना। यहाँ से कम 2 क्वेश्चन तो आपको पेपर में मिल ही जाएंगे। एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन दो ही टाइप की पॉलीमराइजेशन है, उनके कुछ एग्जाम्पल हैं। जितने भी पॉलीमर हैं इसके मोनोमेरिक यूनिट क्या होंगे, उनकी स्ट्रक्चर क्या होंगी, ये सब आपको आना चाहिए।